हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन शर्मा दिल्ली लेट्स प्ले के नए शो खेल खेल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे खिलाड़ी जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। ये दिल्ली की है शान और इनके मुक्के में है काफी जान। आइए मिलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर गौरव भिदूरी से। गौरव, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन दिल्ली लेट्स प्ले। गौरव, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने किस उम्र से बॉक्सिंग चालू करी। मैं जब 9-10 साल का था मैं तब से बॉक्सिंग कर रहा हूँ। मेरे पापा भी बॉक्सर थे बट जल्दी शादी होने के कारण उनको छोड़नी पड़ी। बट उनका सपना था देश के लिए मेडल लेके आना बड़े इवेंट में, तो उन्होंने एक छोटा सा बॉक्सिंग क्लब खोला था जो आसपास के लोग थे, गांव के लोग उनको सिखाते थे। तो मैं भी छोटा बच्चा था, मैं भी ऐसे खेलने के लिए जाता था, तो मैं भी धीरे धीरे बॉक्सिंग सीखने लग गया। तो जब मेरा फर्स्ट सब जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप था, मेरे वहाँ गोल्ड आया, तो डैडी को लगा जो उनका सपना था जो वो पूरा नहीं कर पाए शायद वो उनका बेटा करे। तो तब से वो मेरे साथ मतलब सीरियस हो गए और उन्होंने सोचा कि गौरव को बॉक्सर बनाना है। तो तब से वो सपना जो डैडी का था वो मेरा सपना हो गया। तो जब भी मैं घर पर रहता हूँ या दिल्ली में रहता हूँ, मैं डैडी के साथ ही ट्रेनिंग करता हूँ। तो मेरे पर्सनल कोच और बेसिक कोच मेरे डैड ही हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। गौरव, हर एक खिलाड़ी ने कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी जरूर देखी होती है, तो आपने अपने इस सफर में कितनी कुछ कठिनाइयों का सामना किया और क्या क्या आपने देखा? एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, उसके सेक्रीफाइस और उसके स्ट्रगल की। सेम मेरी भी थी। मेरा तो इवन स्टार्टिंग डेज में मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं बॉक्सिंग ना करूं, बिकॉज उस टाइम स्पोर्ट्स में इतना करियर था नहीं। और इवन मेरे जो पापा थे जब बॉक्सिंग करते थे तो चोट लगती थी, तो मम्मी भी वो देख के मतलब बहुत परेशान होती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी ऐसा करे। तो उस टाइम मेरे को पढ़ाई भी करनी थी साइड बाय साइड और स्पोर्ट्स भी, तो दोनों साइड बाय साइड में कर रहा था। और सुबह स्कूल जाता था, फिर वहाँ से आकर ट्यूशन जाता था, फिर शाम में बॉक्सिंग ट्रेनिंग करता था। तो हमारा जो एक बेसमेंट था उसमें जब बारिश होती थी तो काफ़ी पानी भर जाता था, तो 2-2 घंटे हम उसकी सफाई करते थे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते थे। और फिर अगले दिन फिर बारिश होना, फिर सेम वही। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे। अरे वो जो बेसमेंट था उसमें बॉक्सिंग तो थी नहीं, तो हम जब बॉक्सिंग करते थे फाइट करते थे तो हमारे वॉल में टकराते थे, चोटें लगती थी। तो इस तरह से काफ़ी मैंने जो मेरा जो हार्ड टाइम था जिसको मैंने अच्छे से फेस किया और मेरा एम था उसकी तरफ मैं बढ़ता रहा, वही था वही टाइम था जिसकी वजह से आज मैं इस स्टेज पे हूँ। और बाकी तो जो लोग बोलते थे कि स्पोर्ट्स में कुछ है नहीं, आप क्यों इसको करा रहे हो, क्यों इसकी लाइफ ख़राब कर रहे हो, कुछ होना है नहीं बॉक्सिंग में, वो लोग बहुत कुछ बोलते थे कि इसको रहने दो। एंड प्लस जब मैं हारता था तो लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे कि आप बॉक्सिंग नहीं कर पाते, आप छोड़ दो, इंटरनेशनल लेवल पे आपका कुछ मेडल आ नहीं रहा है, एंड ऑल। तो 15 साल का गैप था, जो 15 साल मैंने सब फेस करने के बाद वो 15 साल में मेरे को ऐसा मेडल मिला जो एक हिस्ट्री मेकिंग मेडल था। मैं चौथा ही भारतीय था जिसका आज तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल आया बॉक्सिंग की हिस्ट्री में। तो मेरा पेशेंस ही था और मेरा विजन था और मेरे डैडी का सपना था जो मेरे को पूरा करना था, जिसकी वजह से मैंने 15 साल ये सब फेस करके गुजारे और अल्टीमेटली मैंने अपने डैडी का और अपने कंट्री का नाम रोशन किया। रेप इज़ द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। 2019 में रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप केस हो रहा है। पता नहीं हमारी कंट्री किस तरफ जा रही है। तो जब भी कुछ रेप की बात आती है मैं आगे आता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे एक स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ था जो माई स्पोर्ट्स ने कराया था, उसमें हमारा एक टॉपिक था जिसमें वुमेन को इंकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स फॉलो करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, सो दैट ये जो रेप केसेस हो रहे हैं जो सो कॉल्ड मर्द हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इतनी स्ट्रॉन्ग बनाए उन लोगों को। और प्लस हमारे स्पोर्ट्स में तो फ़ायदा हो गया, बिकॉज अभी तक ओलंपिक्स में जितने मेडल आ रहे हैं मैक्सिमम हमारे वुमेंस के आ रहे हैं अब, और ये हमारे वुमेंस सेफ्टी की तरफ भी एक स्टेप होगा। तो इसके लिए मैंने भी काफ़ी पोस्ट वगैरह डाली और ट्वीट भी किया था एक मैंने, तो उसमें एक कमेंट आया था कि स्पोर्ट्स सॉल्यूशन नहीं है, हमको लोगों को एजुकेट करना चाहिए। आई सेड कि यस वी शुड एजुकेट लोगों को कि ऐसे से मतलब रेप के बारे में एजुकेट करना चाहिए कि दिस इज़ अ क्राइम, एंड लोगों को वुमेन सेफ्टी के बारे में बताना चाहिए। बट सेम टाइम एवरी रिफॉर्म टेक्स डेकेड्स टू अडैप्ट, तो हम क्यों उस टाइम का वेट करें, हम क्यों ना वुमेन को ही इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो अपने आप को खुद बचा पाएं। जो सो कॉल्ड मर्द है, अगर उनमें इतनी मर्दानगी है तो क्यों ना आए स्पोर्ट्स में, आए अपने आप को आजमाएं, देखते हैं कितना किस में है दम। तो मेरा मेन मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आएँ और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं
कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर पाए। बाकी